और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने के लिए लेके आई हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, आपने हमेशा एक सेंटेंस सुना होगा, वी मस्ट स्टे हेल्दी, वी मस्ट स्टे क्लीन। पता है हम हमेशा साफ सफाई को हेल्थ से क्यों जोड़ते हैं? तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इसी टॉपिक पे बेस्ड है, जहाँ पे हम समझेंगे कि क्लीनलीनेस से हेल्थ का क्या रिलेशन है ना, और हम क्लीनलीनेस को बढ़ा के अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकते हैं, यानी वो कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं जो हमें अपनानी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हमें हेल्दी रहना है तो क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट आर दी हेल्दी हैबिट्स। देखिए, सबसे पहली दो हैबिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ईट फ्रॉम योर ओन प्लेट एंड ड्रिंक फ्रॉम योर ओन ग्लास। अब देखिए, इसका क्या मतलब है? क्यों हमें अपनी ही प्लेट से खाना चाहिए, क्यों हमें अपने ही गिलास से पानी पीना चाहिए? देखिए, अगर कोई बीमार है, इस फोटो में देखिए ये बच्चा बीमार है और वो खाना खा रहा है, इट मीन्स उसके खाने के ऊपर उसकी बीमारी के जर्म्स आ गए हैं, क्योंकि उसकी बॉडी पे क्या है, जर्म्स है, क्योंकि वो बीमार है। इट मीन्स जब वो अपने खाने को छुएगा तो उसकी प्लेट्स में, उसके खाने में भी वो जर्म्स आ जाएंगे। इसी तरह वो अगर पानी पीता है तो उसके पानी में भी वो जर्म्स आ जाएंगे। अब वो बीमार पर्सन है, अगर हमने उसकी प्लेट से लेकर खाना खाया, उसके ग्लास से पानी पिया, तो हम भी बीमार हो जाएंगे, हमें भी वो बीमारी होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जर्म्स वहां पे थे। बट अगर वहीं पे हम अपनी अलग प्लेट लगाते हैं, हम एक अलग प्लेट पे खाते हैं, एक अलग ग्लास से पानी पीते हैं, तो हम बीमार नहीं होंगे और हम हेल्दी रहेंगे। तो जो पहली दो हैबिट्स हैं जिसमें हमें अपनी खुद की प्लेट और अपनी खुद के ग्लास को यूज करना चाहिए। अब देखिए तीसरी हैबिट क्या है। देखो, अगर किसी को जुकाम हो गया है और वो जोर जोर से स्नीज कर रहा है, उसे खांसी हो गई है, वो कफ कर रहा है, और उसने अपने माउथ को कवर किए बिना स्नीजिंग या कफिंग कर रहा है, तो क्या आप उसके पास जाना पसंद करेंगे? है ना, नहीं करेंगे ना। तो देखो, होता क्या है, जब हम बिना मुंह को कवर किए स्नीज या कफ करते हैं तो इससे जर्म्स सामने वाले एनवायरमेंट में फैल जाते हैं, तो ऐसे में आप उसके पास जाना पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो अगर आपको कफिंग है या स्नीजिंग है, तो उसका सबसे सही तरीका क्या है कि यू हैव टू कवर योर माउथ व्हाइल यू आर स्नीजिंग और कफिंग विद योर हैंकी। आप हैंकी से अपने माउथ को कवर कर लीजिए। सपोज आपके पास हैंकी नहीं है, ऑल ऑफ सडन आपको स्नीजिंग या कॉफिंग हो रही है, तो आप अपनी आर्म से ऐसे करके भी स्नीजिंग ऐसे करके कफिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हेल्दी हैबिट है वो क्या है, वी हैव टू टेक बाथ एवरी डे एंड वी आर क्लीन क्लोथ्स। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे एक बनी नहा रहा है डेली, है ना, ऐसे हम भी डेली नहाते हैं। ये कार्टून तो मैंने सिर्फ आपको खुश करने के लिए दिखाया है, बट हम भी नहाते हैं। पता है हम क्यों नहाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर पे डेली बेसिस पे बहुत सारे जर्म्स हमारे स्वेट के साथ स्टिक हो जाते हैं, हमें स्वेटिंग होती है, फिर हम बाहर आते जाते हैं तो एनवायरमेंट में जितने भी जर्म्स हैं वो हमारे ऊपर चिपकते जाते हैं, और जब हम बाथिंग करते हैं तो वो जर्म्स वाटर के साथ फ्लो होकर चले जाते हैं। अगर आप उस पानी को माइक्रोस्कोप के अंदर एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स निकल गए। तो अगर आपको अपनी बॉडी से जर्म्स को अलग करना है तो आप क्या करेंगे, बाथिंग करेंगे। दूसरा, अगर आपने कपड़े क्लीन नहीं पहने हैं, बहुत गंदे हो रखे हैं, तो जैसे हमारे अंदर हमारे बॉडी पे जर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही क्लोथ्स पे भी जर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं, और अगर आपने उनको प्रॉपरली वॉश किए बिना डर्टी क्लोथ्स पहन लिए हैं, तो इससे क्या होगा, वो जर्म्स आपकी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आएंगे, फिर वो आपके अंदर चले जाएंगे, तो इससे आप क्या हो जाएंगे, डिजीज। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो नहाना तो जरूरी है ही, साथ ही साथ आपको क्लोथ्स भी कैसे पहनने पड़ेंगे, क्लीन पहनने पड़ेंगे। अब देखिए, फिफ्थ हैबिट जो है वो है कॉम्ब योर हेयर एंड कीप इट टाइडी। क्यों, ये क्यों जरूरी है, क्यों हमें कॉम्ब करना जरूरी है, क्यों हमें इसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करके कंघा करना हमें जरूरी होता है? देखिए, अगर आपके हेयर्स फजी हैं, जैसा कि पहली पिक्चर में दिख रहा है, उलझे हुए हैं, आपने कॉम नहीं किया है कई दिनों से, तो होगा क्या, आपके बाल उलझे होंगे, तो उससे आपका स्वेट प्रॉपरली नहीं उठ पाएगा, आपके डेंड्रफ्स हो जाएंगे, उन पे डर्ट डस्ट पार्टिकल अटक के रह जाएंगे जो अलग नहीं हो पाएंगे, और इन सब से क्या पैदा हो जाएंगे, जर्म्स, है ना, जर्म्स पैदा हो जाएंगे। पर वहीं अगर आपने अपने बालों को कॉम किया हुआ है, टाइडी है आपके हेयर्स, तो ऐसे केस में चूंकि आप डेली कॉम कर रहे हो तो आपके हेयर सीधे हैं, तो इसमें प्रॉपर एरेशन हो पा रही है, साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल और जो गंदगी है
वो आपके बालों से उलझ नहीं पा रही है, तो इसकी वजह से आपके बाल में जर्म्स का नंबर कम रहेगा। तो अगर आप डेली कॉम्ब कर रहे हैं, अपने बालों को डेली सेट कर रहे हैं, तो इससे जर्म्स के पैदा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हेल्दी हैबिट है वो क्या है, कीप योर नेल क्लीन। अपने नाखूनों को आपको क्या करना है, साफ करना है। क्यों साफ करना है, तो देखो जैसे हमारी बॉडी पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं, वैसे ही हमारे हैंड में भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं। इसीलिए हमने हमारे फूड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी हम खाना खाएं तो खाना खाने से पहले और बाद में हमें अपने हैंड्स को सोप से अच्छे तरह से धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में क्या होते हैं, जर्म्स। अब ये जर्म्स कहाँ पे फंस जाते हैं, जहाँ पे अगर आपका नेल बढ़ा हुआ है तो उसमें वो जर्म्स जाके फंस जाएंगे। तो आप कभी देखना, अगर आपका नेल बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे ब्लैक कलर की एक लाइन दिखने लगती है। इसका मतलब वहाँ पे आपका शरीर का जो कचरा है, जो भी चीज़ें आप टच कर रहे हो, उसका कचरा उसमें फंसता जा रहा है, इसीलिए वो ब्लैक हो गया है। और उस ब्लैक ब्लैक नेल में क्या है, बहुत सारा जर्म्स है। तो आप उस जर्म को कैसे हटा सकते हो, तो हम अगर अपने नेल्स को ट्रिम करते रहे टाइमली तो होगा क्या, वो बढ़ेंगे नहीं। जब बढ़ेंगे नहीं तो उसके अंदर डर्ट और जर्म्स के फंसने का चांसेस कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने नेल्स को क्लीन रखना चाहिए, और उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम उसको ट्रिम करते रहें, है ना। अब ये सारी जो हमने बातें करी ना, ये सेल्फ हाइजीन की थी, अपने आप को कैसे साफ सुथरा क्लीन रखें ताकि हम हेल्दी रहें। पर क्या सिर्फ इतना इनफ है, क्या हम अपने आप को साफ करके हेल्दी रह लेंगे? मैं बहुत साफ सुथरी हूँ, मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं डेली नहा रही हूँ, मैंने नेल्स भी ट्रिम किए हुए हैं, है ना, सब कुछ मैं डेली कर रही हूँ, पर क्या इतना इनफ है हेल्दी रहने के लिए? मेरे चारों तरफ बहुत सारा कचरा है कमरे में, तो क्या ये ओके है? नहीं। अगर आपकी सराउंडिंग्स में बहुत सारा कचरा है, आपकी टेबल पे बहुत सारा कचरा है, तो क्या आप उसमें बैठना पसंद करेंगे? नहीं। आप क्या ऐसी टेबल पर बैठ के पढ़ना पसंद करेंगे, जैसे ये है, ये टेबल, ये जो टेबल है ये कितनी क्लटर्ड है, तो हम इस टेबल पर बैठ के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हमें सामान रखने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, दूसरा कोई चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलेगी। अगर रूम इस तरह से फैला हुआ है, अगर आपके रूम में चादर ऐसे खुली पड़ी है, सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, तो ऐसे रूम में आराम से झाड़ू पोछा भी नहीं होगा। और याद है मैंने आपको होम स्वीट होम वाले लेक्चर में बताया था कि अगर आप अपने होम को होम स्वीट होम बनाना चाहते हैं तो द फ्लोर्स मस्ट बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड डेली, ऐसा बताया था ना मैंने, ताकि वो डस्ट फ्री रहे, जर्म फ्री रहे। पर क्या ऐसे कमरे के अंदर झाड़ू पोछा आसान है? नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा सकता। और आपको पता है कि अगर कोई इंसान ऐसे बिखरे हुए कमरे में को देखता है या जाता है या उसमें काम करता है, तो उसका मेंटल हेल्थ भी खराब होता है। तो ऐसा बिखरा हुआ कमरा आपको, आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकता है। पर वहीं अगर आपका रूम साफ सुथरा है, हर चीज़ एकदम प्रॉपरली जमी हुई है, तो ये आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपका बिखरा हुआ कमरा, ख़राब मेंटल हेल्थ, या फिर जमा हुआ कमरा और अच्छा मेंटल हेल्थ? पर अब क्वेश्चन क्या है कि हम अपने कमरे को कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ मम्मा की जिम्मेदारी है? क्या ये सिर्फ माँ या दादी माँ की जिम्मेदारी है? तो नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। कैसे? कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके। आप अपना हाइजीन तो ठीक करते ही हैं, साथ ही साथ आपकी सराउंडिंग के हाइजीन को भी ठीक कर सकते हैं। देखते हैं वो कौन से पॉइंट है। अगर आप अपने कमरे को क्लीन रखना चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे पुट योर टॉयज बैक इन द प्लेस आफ्टर प्लेइंग। खेलने के बाद आपके जितने भी खिलौने चारों तरफ बिखरे हुए हैं, उनको वापस वहीं रखें जहाँ से आपने उन्हें उठाया था। दूसरा क्या करें, कीप योर बुक्स बैक इन द प्लेस आफ्टर यू फिनिश स्टडी। आपने पढ़ाई कर ली है तो आपने जो जो बुक जहाँ जहाँ से उठाई थी उन्हें वापस वहीं पे रख दें। आपको स्कूल बैग जमाना है, जमा लीजिए, जो बुक्स ले जानी है कल ले लीजिए, ठीक है। तीसरा क्या आप काम कर सकते हैं, थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। आप रूम में पढ़ रहे थे, उस समय आपने कोई फ्रूट्स खाए या फिर आपने कोई बिस्किट वगैरह खाए हैं, तो जो भी गार्बेज इकट्ठा हुआ है उनको डस्टबिन में डालें। पढ़ते समय आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कटिंग्स निकाली हैं, कटआउट्स क्रिएट किए हैं, तो जो भी आपका क्राफ्ट का गार्बेज निकला उसको आप डस्टबिन में डालिए। और क्या कर सकते हैं, अगर आप अपनी पेंसिल को शार्पन करते हैं थोड़ी थोड़ी देर पे, तो जो शार्पन आपको पेंसिल करनी है उसके लिए आप छोटा डस्टबिन अपने पास रख सकते हैं, यानी जितनी बार भी आप शार्पन करें उस डस्टबिन के अंदर या कोई छोटी बाउल के अंदर आप उसको शार्पन करें, और लास्ट में उस शार्पन मटेरियल को सारा डस्टबिन में डाल दें। अगर ये आप कुछ स्टेप्स डेली फॉलो करें
तो आपका रूम हमेशा क्लीन रहेगा और इससे आपकी मम्मा को, दादी माँ को, सबको हेल्प होगी। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यहाँ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो या फिर मेरे चैनल पे दिखाया गया कोई भी कंटेंट आपके किसी भी नोन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, तो उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।